युग युगांतर से अनंत जीव अनंत काल से प्रयत्नशील हैं जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। हम कौन हैं? संसार में क्यों आए हैं? हमारा जन्म क्यों हुआ है? मृत्यु क्यों होगी? हमें दुख क्यों मिलता है? हम जो सुख या आनंद चाहते हैं वो कैसे मिलेगा? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर की खोज लोगों ने अपने धर्म, देश और काल के अनुसार विभिन्न ग्रंथों में की है, परंतु सब में विरोधी बातें बताई गई हैं। इस प्रकार ये प्रश्न अनसुलझे रह जाते हैं और किसी न किसी रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, पर वास्तविकता में इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर कैसे मिलेगा? जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जो जगत गुरुत्तम हैं, साधक जन प्रेम से जिन्हें श्री महाराज जी कहकर बुलाते हैं, उन्होंने अपने हजारों प्रवचनों के माध्यम से विश्व के समस्त धर्मों एवं पंथों के सार निकालकर एक संयुक्त संदेश दिया है जो धर्म, देश, जाति, आयु आदि से परे है। एक ऐसा संदेश जो समस्त मानव जाति के लिए है। सनातन वैदिक धर्म परंपरा जो विश्व की प्राचीनतम परंपरा है, वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, समस्त संतों एवं दार्शनिकों द्वारा प्रकट किए गए सिद्धांतों एवं मतों का समन्वय करते हुए विश्व के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने एक विलक्षण सार्वभौमिक सर्वमान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया है। श्री महाराज जी द्वारा बताई गई प्रमुख बातें विभिन्न धर्मों एवं सिद्धांतों का समन्वय। संसार के सभी प्राणी आत्मा हैं। सभी जीव स्वाभाविक रूप से आनंद चाहते हैं, क्योंकि जीव भगवान जो स्वयं आनंद हैं का अंश है। संसार में न सुख है न ही दुख है। संसार के व्यक्ति या वस्तुओं में मन अपने द्वारा बनाया गया सुख अथवा दुख ही अनुभव करता है और स्वयं मन ही इस सब से मुक्ति दिला सकता है। जीव को ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए जिसे संपूर्ण तत्व ज्ञान हो और जिसने भगवान का साक्षात्कार भी किया हो। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष के मार्गदर्शन में साधना करने से जीव को अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। रूप ध्यान करते हुए आंसू बहाकर भगवान से केवल उनके प्रेम की भिक्षा मांगना भक्ति का प्राण माना गया है। श्री महाराज जी द्वारा दिए गए हजारों प्रवचनों में उन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों, गीता, रामायण एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों के अनगिनत प्रमाण दिए हैं। बिना देखे पढ़े इस प्रकार वेदों शास्त्रों के प्रमाण देने के कारण लोग श्री महाराज जी को सुपर कंप्यूटर जगत गुरु कहने लगे हैं। आने वाले समय में भी इस दुर्लभ एवं अनमोल भगवतीय ज्ञान द्वारा जीवों का कल्याण करने के दृष्टिकोण से सन 1972 में
श्री महाराज जी द्वारा साधना भवन ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसे सन 2002 में जगत गुरु कृपालु परिषद के नाम से जाना जाता है। जगत गुरु कृपालु परिषद एक लाभ निरपेक्ष आध्यात्मिक शैक्षिक एवं लोकोपकारी संस्था है, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख आश्रमों की स्थापना की गई है, भक्ति धाम मनगढ़, श्यामा श्याम धाम वृंदावन और रंगीली महल बरसाना। श्री महाराज जी द्वारा इस संस्था को 3 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 1, वेदों के सनातन ज्ञान को जिज्ञासु जीवात्माओं हेतु वास्तविक रूप में प्रकट करना। 3, समाज के निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों की सहायता हेतु लोक कल्याणकारी कार्यों यथा चिकित्सा शिक्षा एवं अन्य जीवनोपयोगी सहायता आदि को अनवरत गति से करते रहना। 3, जगतगुरु कृपालु चिकित्सालय के माध्यम से असहाय जनता को संपूर्ण रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करना। 3, आज संपूर्ण विश्व में जगत गुरु कृपालु परिषद से जुड़े सैकड़ों केंद्र आश्रम एवं मंदिर श्री भगवान जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। श्री महाराज जी ने जगत गुरु कृपालु परिषद का उत्तरदायित्व अपनी 3 सुपुत्रियों सुश्री डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी अध्यक्षा भक्ति धाम मनगढ़, सुश्री डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी जी अध्यक्षा श्यामा श्याम धाम वृंदावन एवं सुश्री डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी जी अध्यक्षा रंगीली महल बरसाना को सौंपा है। श्री महाराज जी ने संपूर्ण जीवन इनका आध्यात्म एवं लोक कल्याण की ओर ही मार्गदर्शन किया है और आज इसलिए JKP की इन 3 अध्यक्षाओं का केवल एक ही लक्ष्य है, पूर्ण निष्काम भाव से गुरु की सेवा करना। सुश्री डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी संस्था के लिए नेतृत्व एवं शक्ति की स्तंभ स्वरूपा हैं। वे निरंतर अपने पिता और जगत गुरु कृपालु परिषद के संस्थापक जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को पूर्ण निष्ठा से निरंतर प्रगति की ओर ले जा रही हैं। वो JKP में जन कल्याण हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले लगभग 2000 कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं। इनके नेतृत्व में लगभग 40 लाख असहाय लोगों ने JKP की सेवाओं का लाभ उठाया है। सुश्री डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी जी
जगत गुरु कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन एवं हमारे सनातन महान वेद शास्त्र उपनिषद आदि का ज्ञान रखने वाली एक अद्वितीय विदुषी हैं, जो श्री महाराज जी द्वारा नियुक्त प्रचारकों को शिक्षित करने का दायित्व संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हैं। वे अपने पिता जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथों एवं सिद्धांतों के प्रकाशन का कार्यभार संभाल रही हैं। वह सदैव श्री महाराज जी के दुर्लभ तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए प्रचारकों को प्रोत्साहित करती हैं। सुश्री डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी जी समस्त साधकों को हरि गुरु में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ निरंतर भगवत पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। शास्त्रों वेदों का संपूर्ण ज्ञान रखने वाली जेकेपी की ये अध्यक्षा साधकों को श्री महाराज जी के सिद्धांत एवं ज्ञान का स्मरण कराती हैं। श्री महाराज जी द्वारा स्थापित सभी आश्रमों का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। श्रृंगार एवं परिधान आदि की अनोखी प्रतिभा रखती हैं। अपने नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में श्री महाराज जी द्वारा स्थापित मंदिरों के श्री विग्रहों हेतु नित नए श्रृंगार एवं परिधानों की रचना करवाती हैं। वर्तमान में जगत गुरु कृपालु परिषद इन तीनों कर्मठ अनुभवी मनीषी एवं प्रतिभावान अध्यक्षाओं द्वारा कुशल रूप से संचालित है। प्रतिवर्ष हजारों लोगों की सहायता करते हुए जेकेपी द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण के कार्य नियमित रूप से चल रहे हैं। जेकेपी के तीनों आश्रमों एवं आसपास के क्षेत्रों की असहाय ग्रामीण जनता को समय समय पर अनेक दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। जगत गुरु कृपालु परिषद एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं हजारों निर्धन एवं ग्रामीण बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही हैं। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय के तीनों केंद्र मनगढ़ वृंदावन एवं बरसाना में प्रतिवर्ष 5 लाख निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को निशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। जेकेपी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 7 साधना शिविर आयोजित किए जाते हैं। रूप ध्यान करते हुए आंसू बहाकर भगवान से केवल उनके प्रेम की भिक्षा मांगना भक्ति का प्राण माना गया है। इसी कारण ये साधना शिविर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हजारों साधक इन साधना शिविरों में भाग लेते हैं और इस अंतराल में बाहरी संसार से दूर केवल अपने परम चरम लक्ष्य की ओर अपने मन को केंद्रित करते हैं। साधना शिविर का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यहाँ साधना करने के बाद बाहर जाकर अपने सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए भगवान की उपासना करते रहने में सहायता मिलती है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर एवं कीर्ति मंदिर भगवत विषय के जिज्ञासुओं एवं रसिकों सभी के लिए एक ऐसा अनोखा संस्थान है जहां मन पूर्ण विश्राम एवं आनंद अनुभव करता है। जगत गुरु कृपालु परिषद की स्थापना जन कल्याण हेतु की गई है।
वो कल्याण आत्मा से संबंध रखता हो अथवा शरीर से, जेकेपी दोनों ही प्रकार से मानव जाति के कल्याण के लिए अग्रसर है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो जगत गुरु होने के कारण संपूर्ण संसार के गुरु हैं, उनकी दूरदर्शिता आज तीनों अध्यक्षाओं के रूप में परिलक्षित हो रही है और जगत गुरु कृपालु परिषद को मानव कल्याण की दिशा में निरंतर उत्थान की ओर ले जा रही है। नीचे दिए गए चैनलों पे आप श्री महाराज जी के अद्वितीय प्रवचनों का लाभ उठा सकते हैं। श्री महाराज जी द्वारा रचित ग्रंथों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं www.jkpliterature.org.in। जगत गुरु कृपालु परिषद से ऑनलाइन जुड़ने के लिए क्लिक करें। श्री महाराज जी एवं उनके जन कल्याण संबंधी कार्यों की जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं www.jkp.org.in, www.jkphospitals.org.in, www.jkpeducation.org.in। जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा सनातन वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है।